मंत्रिमंडल से कानपुर का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर न सिर्फ भाजपाई बल्कि आम शहरवासी भी काफी हैरत में थे। अब सतीश महाना को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद उसकी कुछ भरपाई होती दिख रही है। यह दूसरा मौका होगा जब शहर से किसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पूर्व में मुलायम सिंह सरकार में 1990-91 में चौबेपुर कानपुर से विधायक हरिकिशन श्रीवास्तव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। लगभग 3 दशक बाद एक बार फिर से कानपुर से सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। ऐसा माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल पार्टियों में शहर से कोई मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद खाली हुई जगह को भरने का काम विधानसभा अध्यक्ष पद देकर किया गया है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में कानपुर से अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। बात यदि विधान परिषद अध्यक्ष की करें तो कानपुर से सबसे पहले बृजेंद्र स्वरूप को विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे। इन दोनों का ही चयन कांग्रेस सरकार में किया गया था, जबकि अखिलेश सरकार में विधान परिषद के लिए कानपुर से सुखराम सिंह यादव को अध्यक्ष चुना गया है। इस तरह से 3 बार विधान परिषद अध्यक्ष की कुर्सी कानपुर के खाते आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।